नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है GST ऑडिट की सीरीज़ नंबर 2 में। दोस्तों, जैसे कि सीरीज़ 1 में हमने उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जो कि GST ऑडिट को एग्जीक्यूट करते समय हमें ध्यान रखने हैं। हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स की। मैं बताना चाहूँगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, जॉब वर्क के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट नोट्स की बात करेंगे, बैड डेट्स की बात करेंगे और ब्याज की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे और लास्ट में इस वीडियो को क्लोज करेंगे एक क्वेश्चन के साथ और उसके जवाब के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की। प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, प्लेस ऑफ सप्लाई से मैं ये डिटरमाइन करता हूं कि किसी भी सप्लाई की नेचर क्या है, क्या वो इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई है तो मुझे टैक्स लगाना है CGST प्लस SGST। अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है तो मुझे IGST लगाना है। और अगर मैंने इंटरचेंजेबली किसी भी सप्लाई की नेचर पलट दी, इंटर की जगह इंट्रा और इंटरा की जगह इंटर, और टैक्स गलत लगा दिया, तो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि मैंने जो भी टैक्स गलत लगाया उसका रिफंड क्लेम करें और दोबारा करेक्ट टैक्स पे करें। दोस्तों, की क्योंकि ऑडिट का पर्पस वेरिफिकेशन है टैक्स पेड की, और टैक्स पेड तब डिटरमाइन होगा जब मैं वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करूंगा, माइनस करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, टाइप ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों, मैंने टर्नओवर क्या प्रॉपरली डिक्लेयर किया है कि नहीं। और टर्नओवर कैसे डिक्लेयर होगी, जब मैं प्रॉपर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करूंगा। तो पहला कारण फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा कारण है दोस्तों कि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही, क्योंकि सेक्शन 12 और सेक्शन 13 IGST के प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई से मैं ये डिटरमाइन करता हूं दोस्तों कि क्या कोई सप्लाई एक्सपोर्ट है या नहीं है। सेक्शन 13 स्पेसिफिकली ये कहता है, मेरे को रूल्स बताता है कि कब कोई सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, और जैसे ही किसी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाएगा वो सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट में एक्सपोर्ट ट्रीट हो जाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट हो जाएंगी। तो उस केस में उसको, जैसे वो जीरो रेटेड बनती है, एक्सपोर्ट बनती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का है, मुझे रिफंड मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिलता है। और ऑडिट का एक और पर्पज है टू वेरीफाई वेदर द प्रॉपर रिफंड इज क्लेम्ड और नॉट। तो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरी बात करते हैं वैल्यूएशन की दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर प्रॉपर टैक्स इज पेड और नॉट। दोस्तों, वैल्यूएशन में सेक्शन 15 शेल कम इनटू प्ले और उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, रूल 25 to 37। सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी वैल्यू, जिस वैल्यू पर भी सप्लाई हुई है वो एक्सेप्टेड है लॉ को, डिपार्टमेंट को, बशर्ते दो कंडीशंस पूरी हो। पहली, कि जिन पार्टीज के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है वो अनरिलेटेड पार्टीज हो, और प्राइस शैल बी द सोल कंसिडरेशन। इस प्राइस के अलावा कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कैश और इन काइंड उसको नहीं मिल रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है दोस्तों, तो दैट वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड शैल बी एक्सेप्टेड टू द डिपार्टमेंट टू द लॉ। इफ any of the condition is not met, then the transaction value shall be rejected, my dear friends, and then we have to refer to rules 25 to 37। So यहाँ पर हमें 27 to 35, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो रेफर करना है रूल्स को। रूल्स ओपन मार्केट वैल्यू बताते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी यहाँ पर किताबों में होगी वो रिजेक्ट होगी। एज एन ऑडिटर आपको दोबारा ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है रूल्स को रेफर करते हुए। उसके बाद दोस्तों, यहां पर बात आ रही है रिलेटेड पार्टीज की। सेक्शन 15 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई और इसमें बताया गया कि रिलेटेड पार्टी कौन सी है। मैं यहां पर टोटल 8 रिलेटेड पार्टी है, लेकिन मैंने इस लिस्ट को 9 में कन्वर्ट कर दिया है। मैं 9 की 9 आपके सामने पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन्स अदर्स बिजनेस, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पार्टनर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सब आपस में रिलेटेड पर्सन हैं। इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। उसके लिए हमें रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू वहां पर है वो हम एक्सेप्ट एज इट इज नहीं कर सकते। वी हैव टू डिटरमाइन वेदर एज पर रूल्स ऑल्सो द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज प्रॉपरली कमिंग और नॉट। then one of them, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, this is very interesting. One of them directly or indirectly controls the other. यहाँ पर बड़ा ही wider view कर दिया related persons का, related parties का. One of them directly or indirectly controls the other. यहाँ पर father, son, mother, father, brothers, sisters, जितने भी ब्लड रिलेटेड हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे, उसके अलावा जितने भी और अदरवाइज रिलेशनशिप्स हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे व्यक्ति रिलेटेड पर्संस होंगे. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सारे ऑडिटर्स से कि ऑडिटी से सबसे पहले रिलेटेड पार्टी की लिस्ट लेंगे, कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है उसको बताएं कि एज पर लॉ इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं इन लोगों के बीच में वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि उसको हमें रिजेक्ट करना है. दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. लास्ट पर्सन्स जो हैं, जो कि सोल एजेंट्स हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सोल कंसेशनर्स हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी है. मतलब एक कंपनी की हमने कोई सोल एजेंसी ली हुई है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है. उनके बीच में जो भी सप्लाई हुई है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर नहीं करना है, और आपको रूल्स में ओपन मार्केट वैल्यू से कंपेरेबल ट्रांजैक्शन से डिटरमाइन करना है कि उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए. उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडिशंस और डिलीशंस हैं दोस्तों. एडिशन, पहला एडिशन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जहां जहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम नहीं कर सकते, वी आर जस्ट हाईलाइटिंग द इश्यूज, तो जहां जहां पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं जिन जिन टॉपिक पर, जैसे कि वैल्यूएशन के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है तो मैंने लिंक पेस्ट किया है यहाँ इस वीडियो में. आप उस लिंक के द्वारा उस वीडियो पर जा सकते हैं जहां पर मैंने डिटेल में वैल्यूएशन को डिस्कस किया है. उसमें एडिशंस और डिलीशंस क्या होने हैं वो डिटेल में डिस्कस किए हैं. उसके बाद एडिशन में सबसे पहले वो एडिशन होना है कि अगर कोई भी खर्चा, कोई भी काम जो कि सप्लायर की जिम्मेदारी थी और उसको रेसिपिएंट ने कर दिया, उसकी वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ना है. किसी भी तरह का कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस, कमीशन, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, कोई भी कोई और खर्चा जो कि किया गया है सप्लायर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ना है. अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया, लेट फी लीड और कोई पेनल्टी लगाई फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, मान लीजिए आपने 2 महीने का उधार दिया और आपने उसको 2 महीने बाद कहा कि ब्याज लगेगा, तो वो ब्याज भी जो आपने डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पर रिसीव किया है, रिसीव करते हुए जब आप उसको एक्चुअली रिसीव कर लेंगे, एक्रूअल बेसिस पर टैक्स नहीं लगना है इस पे, जब आपको उसको रिसीव कर लेंगे तो उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर वही रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो ओरिजिनली गुड्स और सर्विसेज पर लगा था. उसके बाद अगर कोई सब्सिडी आपको लिंक्ड विद प्राइस मिली है अदर देन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू. लेस करना है सिर्फ एक ही आइटम, डिस्काउंट. डिस्काउंट या तो सप्लाई के टाइम पर या सप्लाई से पहले. अगर आपने सप्लाई के बाद डिस्काउंट को लेस करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में से तो 2 शर्तें पूरी करनी होंगी. पहला कि डिस्काउंट जो है वो इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट है व्हिच इज एंटर्ड बिफोर द सप्लाई. एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सप्लाई से पहले एंटर होना चाहिए एग्रीमेंट. दूसरा, रेसिपिएंट जो है उसने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस कर दिया हो, क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर डिस्काउंट करता हूं तो मेरा आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली गवर्नमेंट वांट्स, लॉ वांट्स कि रेसिपिएंट ने भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस कर दिया होना चाहिए. रीइंबर्समेंट्स जो हैं वो भी टैक्सेबल होंगी, वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेंगी, बशर्ते कि वो प्योर एजेंट के द्वारा रिसीव ना हो. प्योर एजेंट के लिए आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं. प्योर एजेंट वो व्यक्ति होता है जो कि एग्जैक्ट वही खर्चे करता है जो कि उसने, एग्जैक्ट वही खर्चे कलेक्ट करता है जो खर्चे उसने स्पेंड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी सप्लायर, और उसके अपने बिहाफ पर कुछ नहीं किया उसने, सप्लायर रेसिपिएंट के बिहाफ पर किया है. उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब जॉब वर्क की. जॉब वर्क में दोस्तों सेक्शन 143 आता है. यहां पर सेक्शन 143 एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है प्रिंसिपल, मैन्युफैक्चरर और जॉब वर्कर के लिए. आप सेक्शन 143 फॉलो कर सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वो बेनिफिशियल है इसलिए सब सेक्शन 143 फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए. अगर आपने कोई भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है और आपने सप्लाई, आपने गुड्स को ट्रांसफर किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क टू द जॉब वर्कर, तो आप बिना टैक्स लगाए उसको भेज सकते हैं. 1 साल के अंदर अंदर वो माल आपके पास प्रोसेस होकर वापस आना चाहिए. आप कैपिटल गुड्स भी भेज सकते हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट्स, और 3 साल के अंदर अंदर वो कैपिटल गुड्स आपके पास वापस आने चाहिए. अगर 1 और 3 के बीच में वो सामान वापस नहीं आता, इनपुट या कैपिटल गुड रिस्पेक्टिवली, तो जिस दिन आपने वो ट्रांसफर किया था उस दिन हम मान लेंगे कि वो सप्लाई हुआ, टैक्स लग जाएगा, ब्याज आपको पे करना पड़ेगा. उसके बाद आपको यहाँ पर एक ITC 04 चेक करना है दोस्तों, जो कि रेगुलरली हर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने फाइल करना है, रिलेटिंग टू दी ट्रांजैक्शंस हैपेंड विद द जॉब वर्कर। मटेरियल गया, मटेरियल आया, मटेरियल एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर गया, दूसरे जॉब वर्कर से डायरेक्टली सप्लाई हो गया, बिक गया, इन सब की इंफॉर्मेशन ITC 04 में टाइम टू टाइम फाइल करनी है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने। आपने ये चेक करना है कि वो फाइल हुआ या नहीं हुआ। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। हम सब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस नोटिफिकेशन 12/17 जो सेंट्रल टैक्स रेट की है, जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के बारे में बताती है, उसमें सीरियल नंबर 2 पर स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांसफर होता है, एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पहली बात तो टैक्सेबिलिटी की होगी, एज गोइंग कंसर्न मतलब एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा सवाल आता है कि उसका रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब है, जब बिजनेस ट्रांसफर होता है। अगर सक्सेशन में, सक्सेशन के अलावा अमेलगमेशन, डीमर्जर में कहीं भी बिजनेस कोई भी ट्रांसफर होता है, तो जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हुआ या जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया या जिस दिन आरओसी ने सर्टिफिकेट दिया एक नए ट्रांसफरी को, उसका जन्म हुआ, उस दिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अनुसार उसको लेना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ट्रांसफरर का है वो ट्रांसफरी के पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। एक ITC 02 फॉर्म फिल करना है। जो भी ट्रांसफरर का क्रेडिट है, अगर मान लीजिए एक प्रोपराइटर की डेथ हो गई और उसका सक्सेशन हुआ बिजनेस का टू हिज वाइफ और टू हिज चिल्ड्रन, तो जो भी सक्सेसर हैं उसको जो भी क्रेडिट उसके बिजनेस में उस समय स्टैंड करता था जब उसकी मृत्यु हुई, वो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द फॉर्म ITC 02। उसके बाद बात आती है दोस्तों ब्याज की। ब्याज सेक्शन 50 में लगना है। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं दोस्तों, कि सेक्शन 50 पे ब्याज जो लग रहा है वो आउटपुट टैक्स पे लग रहा है, ना कि नेट टैक्स पे लग रहा है। मतलब जितनी आपकी सप्लाई है उसके ऊपर ब्याज लग रहा है, ना कि आउटपुट टैक्स माइनस में इनपुट टैक्स इज इक्वल टू नेट टैक्स। नेट टैक्स पर ब्याज नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, आप ITC जो भी आपने पे किया है या कैश में जो भी आपने पे किया है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक वो अवेल्ड, यूटिलाइज्ड नहीं माना जाता, और तब तक ब्याज चालू रहता है। इसका मतलब जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की तब तक आपको पूरे के पूरे आउटपुट पर ब्याज देना पड़ेगा, भले ही आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की पेमेंट कर दी है, कैश लेजर में कैश से हाथ से पैसे जमा करा दिए हैं, क्योंकि आपने उसको एप्रोप्रिएट नहीं किया टुवर्ड्स योर आउटपुट टैक्स इन योर रिटर्न, तो आपका ब्याज का मीटर तब तक चल रहा है। 18% ब्याज लगना है दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि मान लीजिए जीएसटी रिजीम से पहले मैं सर्विस टैक्स रिजीम में था, और सर्विस टैक्स रिजीम में, सर्विस टैक्स रूल्स में मेरे पास ये फैसिलिटी थी कि अगर मेरी 50 लाख रुपए से रिसीट्स कम है तो मैं सर्विस टैक्स पे कर सकता हूं जब मुझे कैश में रियलाइज हो जाए, जब मुझे एक्चुअली रिसीव हो जाए। तो मैंने इनवॉइस तो सर्विस टैक्स रिजीम में कर दिया था, लेकिन मेरे को उसका जो पैसा है वो जीएसटी रिजीम में आया, तो क्या मुझे सर्विस टैक्स पे करना है या जीएसटी? इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया दोस्तों, आप उसको डिटेल में रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंक्लूजन ये है कि मुझे सर्विस टैक्स पे करना है, ना कि जीएसटी। सर्विस टैक्स पे कर दीजिए, और सर्विस टैक्स को रिपोर्ट करने की, पेमेंट को रिपोर्ट करने की कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है ACS पे। ACS पे आप पोर्टल पे जाके अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड का आपने सर्विस टैक्स पे करना है, वो आप अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। क्रेडिट नोट, सेक्शन 34 की बात में, सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट्स की बात होती है, और वहां पर उनकी कंडीशंस को पूरा करना है। कोई भी टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस हुई है, गुड्स रिटर्न हुए हैं, कोई भी सप्लाई सर्विसेज की शॉर्टेज है, इन सब बेसिस पर आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। क्रेडिट नोट इशू करना, आपको हर इनवॉइस का सेपरेट क्रेडिट नोट इशू करना है, मल्टीपल इनवॉइसेस का क्रेडिट नोट, एक क्रेडिट नोट आप इशू नहीं कर सकते। उसके बाद आप 31 मार्च 18 तक का अगर कोई भी सप्लाई हुआ है, कोई भी इनवॉइस है, उससे रिलेटेड अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करना है तो 30 सितंबर तक करना है। आपके जो रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करना है, क्योंकि क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू करना है। जैसे ही सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसका आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट को अपना इनपुट टैक्स रिड्यूस भी करना है दोस्तों। एक सवाल यहां पर आता है कि क्या बैड डेट्स के लिए भी हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? कानून में अभी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बैड डेट्स के ऊपर भी मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन मुझे अलाउ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक कानून में नहीं है। यहां पर हम अपने इस वीडियो को आज खत्म करेंगे दोस्तों। इस सीरीज में अगला वीडियो हम और आगे बनाएंगे जीएसटी ऑडिट के एग्जीक्यूशन में। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे किसी बहुत अच्छे मित्र ने मुझसे ये सवाल पूछा अभी कल परसों में, और मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर करूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मान लीजिए एक फ्लोर मिल है, एक आटे की चक्की है, आटा पीसने की चक्की है, और वो व्हीट जो है खुद प्रोक्योर करते हैं और उसको प्रोसेस करके फ्लोर बनाकर बेचते हैं। तो जब वो फ्लोर बेचते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल वो, क्योंकि वो जॉब वर्क भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं ऑफ द व्हीट ऑफ ब्रॉट बाय समबडी एल्स। तो व्हीट मान लीजिए आपने सप्लाई किया, उन्होंने उसको जॉब वर्क किया, प्रोसेस किया और फ्लोर मैन्युफैक्चर करके फ्लोर बेचा, और आपसे सिर्फ जॉब वर्क के चार्जेस लिए, प्रोसेसिंग के चार्जेस लिए। माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रोसेसिंग चार्जेस शैल बिकम टैक्सेबल, क्योंकि ऐसी कोई भी एग्जेम्पशन 12/17 एग्जेम्प्ट सर्विसेज में दी नहीं गई है, जिससे कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस, हालांकि दैट इज अप्लाइड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली, दैट इज अप्लाइड ऑन द यूटिलिटीज ओनली, इंडिस्पेंसिबल गुड्स ओनली, बट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ दैट एग्जेम्पशन, सो दैट शैल बिकम टैक्सेबल। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। थैंक यू वेरी मच।